आज मैं बहुत सारी पतंगे लेके आता हूँ और मैंने आज पूरी 4 पतंगे खरीदी है। चलो इसे उड़ाने के लिए बगीचे में चलते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मेरी एक पतंग गिर जाती है और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं लगता है। और जब मैं बगीचे में पहुंचकर पतंगे खोलता हूँ तो मुझे उसके अंदर एक पतंग कम मिलती है। मुझे लगता है मेरी एक पतंग रास्ते में गिर गई, चलो उसको लेने चलते हैं। और जैसे रास्ते मुझे पतंग मिलती है मैं पतंग उठा लेता हूँ, लेकिन पतंग के साथ मुझे अजीब सा कागज मिलता है। लेकिन ये कोई कागज नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा है और इसके अंदर मैं एक पेड़ दे रखा है जिसके ऊपर हमें पतंगे और बहुत सारे पटाखे मिलेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक नदी ढूंढनी पड़ेगी जो कि हमें इस जंगल के अंदर मिल सकती है। और जंगल में थोड़ी दूर चलते मुझे रास्ते में सूखी नदी मिल जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर नक्शा बनी हुई नदी यहाँ पर मिल जाती है जिसे मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। अब आगे मैं टूटी हुई चट्टान ढूंढनी पड़ेगी जो कि मैं जंगल के अंदर मिलेगी। और वही पास में मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान मिल जाती है जो कि बीच में टूटी हुई होती है। लगता है ये वही चट्टान है जो नक्शा बनी हुई है। चलो उसको छोड़ते और आगे बढ़ते हैं। और मैं चट्टान के ऊपर से आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब लास्ट में मुझे पतंग और पटाखे वाला पेड़ मिलने वाला, चलो उसको ढूंढते हैं। अगर आपको मेरी तरह पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप एक पतंग से कितनी पतंगे काट सकते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली मुझे रास्ते में छोटा सा पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी पतंगे होती है और एक पटाखे की बहुत बड़ी लड़ी होती है। लगता है ये कोई जादू पेड़ है जिसके ऊपर पतंग और पटाखे उगते हैं।